अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शराज अहमद सयाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि गुर्दे की पथरी जो कि बहुत से लोगों का मसला है उसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है और जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने का क्या तरीक़ाकार है। आजकल बहुत से लोगों को ये मसला पेश आ रहा है कि उनके गुर्दों में पथरियाँ बन जाती हैं जो कि बहुत तकलीफ़ देह अमल होता है। ये पथरियाँ आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों में बनती हैं, इसमें बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसमें जिस्म में ऐसे मादे बन जाते हैं जो कि पथरियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। बाद लोग ऑपरेशन करवाते हैं उनके, उसके बाद भी उनके गुर्दों में पथरियाँ बन जाती हैं। इसमें कुछ पथरियाँ कैल्शियम की होती हैं, कुछ यूरिक एसिड की होती हैं और इनको अगर ऑपरेशन करवा के निकाला जाए तो बहुत तकलीफ दे अमल होता है। और आजकल आपको पता है लेज़र टेक्नोलॉजी भी आई हुई है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरह घर में चंद चीज़ें इस्तेमाल करके इन पथरियों को ख़त्म कर सकते हैं और अपने दर्द और तकलीफ से फाका हासिल कर सकते हैं। ये पथरियाँ जो हैं ये अगर छोटी हैं तो ये आसानी से निकल जाएंगी, लेकिन अगर बड़ी हैं तो उन पर थोड़ा सा टाइम लगेगा और वक्त लगेगा, क्योंकि आस्ता आस्ता जितनी ज़्यादा बड़ी पथरी होती है उसको निकलने में डिज़ोल्व होने में टाइम लगता है। जूँ जूँ ये पथरी टूटती जाती है तो उसके साथ साथ फिर तकलीफ भी होती है, और अगर कोई पथरी पेशाब की नाली में फंस जाए तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लिहाजा आपको चाहिए कि जो ही आपको पता चले कि आपके गुर्दों में पथरियाँ बन रही हैं तो आप पानी का इस्तेमाल अच्छा खासा करें, पानी की कमी ना होने दें। अगर आपके जिस्म में पानी कम होगा तो उसकी वजह से आपको पथरी की दर्द भी बहुत ज़्यादा होगी और मज़ीद पथरियाँ बनने की वजूहत भी बनेंगी। लेकिन अगर आप ये पानी भी नॉर्मल पी रहे हैं फिर भी पथरियाँ बन रही हैं तो आपको मैं जो ये नुस्खा बताने लगा हूँ अगर ये आप इस्तेमाल करेंगे लगातार कुछ अर्सा तो आपको पथरियों के लिए दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद बहुत ही आपकी पथरियाँ जो हैं वो ठीक हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता आपको इनसे जान भी छूट जाएगी। लेकिन आपको इन दो तीन चीज़ों को रूटीन बनाना पड़ेगा। अगर आप रूटीन में इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बड़ी हद तक इसका फ़ायदा होगा और आप कहेंगे कि ये बहुत ही अच्छा अमल है और आप आगे दूसरे लोगों को भी बताएंगे। पहले नंबर पर है सेब का सिरका जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेब का सिरका एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये गुर्दे की दर्द को भी और जिस्म में तजाबियत को और इस तरह के जो गंदे मादे होते हैं उनको ख़त्म करने में बड़ी हद तक कारगर साबित होता है और इसकी वजह से बहुत जल्दी जो है गुर्दे की पथरी में फ़र्क पड़ जाता है और मरीज़ को आहिस्ता आहिस्ता आराम आना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको चाहिए कि अगर आपको पथरियों का पुराना मसला है तो आप उसके लिए इसको थोड़ा ज़्यादा अरसा इस्तेमाल करें। इसका नुकसान भी बिल्कुल कोई नहीं है, ये आपके मेदे को भी अच्छा करेगा, आपके गुर्दों को भी अच्छा करेगा, आपके जिगर को भी बेहतर करेगा, क्योंकि इसमें कोई मसनूई चीज़ शामिल नहीं होती, ये नेचुरल होता है और नेचुरल चीज़ें जितनी भी होती हैं वो जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। अगर आप इसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं तो ये आपकी खुराक को हजम करने में बड़ी हद तक मदद देगा, आपके जिगर में बड़ी हद तक बेहतरी लाएगा, इससे आपको एसिडिटी भी कम होगी। इसके साथ आगे मौसम आ रहा है जो वो मौसमी का मौसम आ जाता है, मौसमी का जूस आपको जितना भी हो सके वो आपको पीना चाहिए। इससे बड़ी हद तक आपके जिस्म में जो है वो विटामिन सी की मकदार बढ़ जाएगी, आपको तवानाई भी मिलेगी और आपके गुर्दों के पथरियों का भी मसला हल हो जाएगा। ये जितना ज़्यादा आप पियेंगे उतना ज़्यादा आपके जिस्म में तवानाई भी आएगी और आपके गुर्दे की पथरियाँ जो हैं वो भी आपके जिस्म में खून की रवानी जो है वो बड़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा जो है वो आप अंगूर का इस्तेमाल, जो अच्छा सुंदर हानी अंगूर होता है, मोटा मोटा थोड़ा होता है, अगर आप उसको रूटीन बनाते हैं खाने की तो ये बड़ी हद तक आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि अंगूर में इस तरह की एनर्जीज और तवानाई पाई जाती है जो कि इंसानी जिस्म को
एकदम इतनी ताकत देता है कि वो बड़ी जल्दी खुद को रिकवर कर लेता है। और आपको पता है कि इससे अल्कोहल भी बनाई जाती है अंगूर से ही, वो इसीलिए क्योंकि इसमें ऐसे मादे पाए जाते हैं जो कि जिस्म को तवाना करते हैं और ताकत देते हैं। अगर आप सुंदरहानी अंगूर कुछ अर्सा लगातार इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बड़ी हद तक ये आपकी पथरियों को डिज़ाल्व कर देगा और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जिन लोगों को पथरियों की तकलीफ बढ़ रही होती है उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। बाद लोगों को तो दर्द ही नहीं होती, लेकिन जिनको कभी कभार दर्द होती है वो बहुत तकलीफ से दर्द होती है और वो इससे छुटकारा नहीं पा सकते। बार बार दर्द होती है, इंजेक्शन लगवाते हैं, कोई और दवाई टीका लेते हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा लेमन जूस जो होता है वो आप पानी में मिलाकर थोड़ा सा उसको हल्का कर लेंगे, वो ये तुरश होता है, और अगर आप इसको भी थोड़ा लंबा अरसा इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपको बड़ी हद तक फ़ायदा देगा और इससे आपको बड़ी हद तक जल्द अज़ जल्द आराम आ जाएगा और आपकी गुर्दे की पथरी जो कि कैल्शियम की है या यूरिक एसिड की है, ये बड़ी जल्दी आपको डिज़ोल्व करने में मदद देंगे। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये बड़ी कारगर और मुफीद हैं। अगर आप इनको लगातार अपनी खुराक का हिस्सा बना सकते हैं तो बनाएं, क्योंकि ये इतनी महंगी भी नहीं है और आप इनको नेचुरली यूज़ भी कर सकते हैं। आप इनका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आपके जिस्म के लिए वैसे भी बेहतर होगा, आपके जिस्म के अंदर जितने भी गंदे मादे होंगे तजाबियत होगी उनको भी ये ख़त्म करेंगे, आपके मैदे को भी बेहतर करेंगे, आपके गुर्दों को भी बेहतर करेंगे और आपके जिगर को भी फायदा पहुँचाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी मालूमात अच्छी लगी होंगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।